गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली भाई। आज हमारा दूसरा दिन है। कल 9 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे दिल्ली टू मनाली, और आज हमारा दूसरा दिन है। कल 9 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे, उसके बाद थके हुए थे तो पड़ के सो गए थे। शाम के टाइम माल रोड गए, थोड़ा सा माल रोड पे घूमे फिरे, और आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन शुरू हुआ है। आज हम जाने वाले हैं सिसु, अटल टनल क्रॉस करेंगे वही स्नोफॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहाड़ियों पे ऊपर ऊपर स्नोफॉल है। अभी मनाली के अंदर स्नोफॉल हुआ ही नहीं जो अच्छी तरीके से होना चाहिए था, तो इस वजह से हम आज क्रॉस करेंगे अटल टनल। वहाँ पे देखते हैं कितना स्नोफॉल है। सुनाई में तो आ रहा है कि काफ़ी सारा स्नोफॉल है, 2-3 फीट स्नोफॉल है वहाँ पे। बाकी जो लाइव स्नोफॉल होने वाला है ना, वो वेदर रिपोर्ट के अनुसार एक से कल और परसों, कल से है ना कंटिन्यू होने वाला है। बाकी अगर लाइव होता है तो भैया लाइव भी दिखाते हैं। और मैं रेडी हूँ। आमिर रेडी? रेडी नंगा पुंगा मेरा दोस्त। अबे तो कैसा लग रहा है? रेडी? ये रेडी, ये देखो भाई क्या रूम है हमारा। रूम के बाहर का नजारा है देखो। स्नोफॉल भी है ऊपर, ऊपर स्नो भी है। ये देखो भाई बालकनी से क्या व्यू आ रहा है। हल्का सा फोगी, स्नो के माउंटेन, और ये शायद भाई रोहतांग वाले पहाड़ हैं नीचे। ये जो है ना, ये ब्यास रिवर है, ये जो बहरी है। उधर माल रोड है, इधर माल रोड है नीचे। हम लोग जो है होटल जो है हमारा वो वशिष्ठ वाले रोड पे है, वहाँ पे हमने लिया हुआ है। ये देखो भाई ये होटल है हमारा, ऐसे एक रूम ऊपर भी है। सबसे पहले नाश्ता, पेट पूजा, उसके बाद भाई फिर निकलेंगे आराम से, अटल टनल क्रॉस करेंगे शिशु की तरह। पहले नाश्ता करेंगे, रेडी होने के बाद निकलते हैं यहाँ से, फिर नाश्ता करते हैं, फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। भाई हो जाओ भैया रेडी, लुगाई की तरह तुम रेडी हो रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नाश्ता हम चलते हैं अटल टनल की ओर। भाई मनाली से निकलते ही जाम ही निकला सबके सब, मुझे लग रहा है अटल टनल ही जा रहे हैं। ये देखो आज हम जल्दी उठने उठ जल्दी उठकर भी लेट आ रहे हैं। सीसू सीसू एक घंटे से चल रहे हैं मगर भाई अटल टनल आने वाली है। सोलांग वैली क्रॉस कर दिया है। वेलकम टू अटल टनल। अटल टनल में एंट्री कर चुके हैं और ये कोहरा ही कोहरा, और ये कोहरा ही कोहरा, नो स्टॉपिंग, चलते रहने का। अबे करोगे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई पे और है 9 किलोमीटर टनल है, 9 किलोमीटर की टनल भाई। भाई अटल टनल से पहले का जो नजारा था ना वो कुछ और था, और जैसे हम ये टनल क्रॉस करेंगे ना उसके बाद भाई नज़ारा सब कुछ बदलने वाला है, A to Z। माहौल चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर, माहौल सब चेंज। पहाड़ की जो बनावट है ना वो भी चेंज होने वाली है भैया। जब निकलेंगे तब दिखाएं कैसा व्यू है। हाँ, स्नो दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। जब भी धूप पड़े सामने जब तब भी इतनी स्नो है। गाड़ी पागल है क्या? आगे रुक गई। ये देखो भाई क्या
ये है वाकई में जन्नत। ले यहाँ से भाई 400। भाई शिशु के अंदर आ गए, ये देखो यहाँ क्या नजारा है। हमारे चीते नीचे जा चुके भाई, पानी बहुत तेज है यहाँ, अभी दिखाते हैं। भाई सन्नाटा वाली हवा, बिल्कुल बर्फ में खड़े हैं, बर्फ में। इधर पीछे अपने नदी ये बह रही है भाई साहब, नीचे आ गए हम तो नदी में आ गए। ये देखो बर्फ कैसी है, जिंदा बर्फ है ये तो भैया। यहाँ आपकी बर्फ जो है वो थोड़ा सा नमक जैसी है। हो जम गए हाथ, पानी का बहाव, पानी का बहाव देखो भाई कैसा है, अभी दिखाता हूँ। भाई नीचे गए थे, नीचे से ऊपर ना सांस फूलने लगी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। पुलिस वाला आया, उन्होंने ऊपर भेज दिया। नीचे नदी में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं असल में। चलो ये भी सही है, सिक्योरिटी के लिए सही है। भाई धूप निकली है, और धूप ना होती ना तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती। हवा ऐसे लग रही है चेहरे पे बहुत, जब कोई बर्फ ही फेंक रहा हो। लाहौल वाला कुवत देखो भाई, साइड में ना स्नो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब सूरज निकलता है ना तो सामने पड़ता है, तो जो स्नो होती है वो पिघल जाती है। इस साइड देखो भाई, साइड है ना सूरज पड़ता नहीं है, इस साइड सूरज नहीं पड़ता है, तो ये देखो सीधा स्नो पिघलती नहीं है। बाकी हमें अभी शिशु में नीचे आ गए हैं। ये देखो भाई यहाँ जिपलाइन भी होती है, लोग बाग जिपलाइन कर करके उस साइड भी जा रहे हैं। ये रही जिपलाइन। भाई मैगी और चाय ऑर्डर करिए यहाँ बैठ के शिशु में, और मैगी और चाय कहाँ मिलेंगे, ठंड बहुत है। और ऐसे ठंड में तो यार मैगी और चाय की बात ही अलग है। पानी में निकाल लिया पिघल भी नहीं रही, इतना ठंडी है, बर्फ भी नहीं पिघल रही यहाँ पे। ओहो हाथ जम गए। ले आमिर पानी में से निकाल लिया, पानी में से शिशु नीचे लेक के पास में है। भाई देखो भाई ये जो वाटरफॉल है ना, ये जम गया है, वरना गर्मियों में बहुत अच्छा वाटरफॉल बहता है। इधर जिपलाइन कर रहे हैं लोग, ये देखो भाई जिपलाइन 500 रुपये लेते हैं इस साइड से, इस साइड ले जाने का और फिर वापस लाने का 500 रुपये पर पर्सन। बहुत सारे लोग जिपलाइन भी कर रहे हैं। देश उत्तर प्रदेश ये देखिए, ये हमारे होस्ट क्या कर रहे हैं, ये लग रहा है आज पानी में जमना चाह रहे हैं। उठा उठा उठा, दोनों उठा दे बाहुबली।
सांस फूल गया। टेम्परेचर इस टाइम माइनस में है और नदी से ऊपर थोड़ा ऊपर चढ़ने में ही सांस फूल गया। अब चलते हैं अपने मनाली की तरफ। अटल टनल पे ना बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, वहाँ का देखते हैं। चलो कहाँ चलोगे अब? वहीं अब चलते हैं वापस मनाली की तरफ। अटल टनल पे ना बहुत हैवी स्नोफॉल है, वहाँ देखते हैं। अटल टनल में बहुत ज़्यादा स्नो है, वहाँ बनाना है स्नोमैन। गाड़ी पर रख के ले चलेंगे बोनट पे। चलो वापस जा रहे हैं भाई मनाली की तरफ। अटल टनल के अंदर एंट्री हो गई हमारी। लेकिन गाड़ी तो खड़ी है यहाँ पे, ये तो खड़ी नहीं गाड़ी, ये उनकी खड़ी ड्यूटी वालों की। नंबर देख ले करो इसकी गाड़ी। तेरा बेटा यहाँ मतलब खड़े हो तो रख लिया और पुल लेना और चार्जर। एक इतना बड़ा पार्क काटा हमने, देख ले ये है भाई अटल टनल का नज़ारा। देखो अभी शिशु आए अटल टनल से बाहर निकले, ये यहाँ पे स्नो हैवी स्नो। यार अब शीशा फूट जाएगा भाई, पर गया शीशा फूट जाएगा, ज्यादा भारी है, वैसे करके रखना पड़ेगा। अरे ऐसे करके रखो ना, अरे पूरा बना के लो ना, फोटो खींच लो ऐसे। फिर फोड़ लेंगे साथ में, साथ के कैमरे से। अरे ये रहा भैया हमारा स्नोमैन। हाय हाय, हेलो, क्या हाल है भाई? आँख नाक कान भी है इसके भाई, इसके अंदर जान भी डाल ली। एक नंबर भाई, मजा आ गया। ऐसे गाड़ो जब आगे बढ़ो, ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए। ये रहा भाई लौंडा भाई, हमारा तो चलने का प्लान हो गया है। वैसे अभी तक लाइव स्नोफॉल तो हुआ नहीं, कल का दिखा रहा है, कल होगा, कल देखते हैं, फिर आते हैं। और मैं गाड़ी में हूँ और ये रहा देखो भैया हमारा स्नोमैन गाड़ी के, ये रहा। ये लोग मेरे, ये लोग जो हमारे साथ वाले टीममेट हैं, ये भी लगे हुए हैं।